हाई एवरी वन, मैं हूँ मधुश्री। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एम ब्यूटी बिट्स। दोस्तों आज मैं अपने हेयर को जो है थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, क्योंकि मेरा जो है बर्थडे बहुत ही मतलब पास में है। 13 नवंबर को मेरा बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि बर्थडे से पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा कुछ लुक अपना चेंज कर थोड़ा सा, इसलिए मैं आज हाईलाइट करूँगी। एंड उसके लिए दोस्तों मैं यूज़ करूँगी स्ट्रीक्स का ये अल्ट्रा लाइट हाईलाइटिंग किट। एंड दोस्तों इसके बारे में मैंने बहुत कुछ अच्छा अच्छा सुना है। मैंने इससे पहले जो है अपने हेयर को कभी भी कलर नहीं किया है, एंड आप मेरा जो नेचुरल हेयर कलर है वो देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि जो नॉर्मल इंडियन डार्क हेयर होते हैं उसके ऊपर ये जो हाइलाइटिंग किट है ये कैसे काम करता है, और इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स। एंड मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही आसानी से अपने घर पे ही खुद से अपने हेयर को जो है हाईलाइट कर सकते हो, और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से हाईलाइट कर सकते हो, वो ही मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो चलिए जल्द से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एंड इस हेयर कलर का परचेस लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो या फिर जो है स्टोर पे जाके भी परचेस कर सकते हो। स्टोर पे आपको जो प्राइस मिलता है ऑनलाइन में भी जो है आसपास सेम ही प्राइस मिलता है, बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं रहता है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 160 रुपीज़। मुझे ये 150 में मिला है, 10 रुपीज़ मुझे स्टोर पे ऑफ मिला है, मैंने स्टोर से ही लिया है। तो आप स्टोर से भी ले सकते हो एंड या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो मैंने शेड लिया है मैंने 2 नंबर 2 वाइब्रेंट ब्लॉन्ड। ये मैंने देखा है कि ये मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट हाईलाइट्स देता है आपको। इससे अगर थोड़ा सा आपको लाइट हाईलाइट्स चाहिए तो आप नंबर 1 वाला कलर यूज़ कर सकते हो। मैंने ये नंबर 2 लिया है क्योंकि मुझे नंबर 1 वाला नहीं मिला था, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा वाइब्रेंट हाईलाइट ही किया जाए, इसलिए मैंने 2 लिया है। आपको जो है स्ट्रीक्स हेयर कलर में टोटल आई थिंक 5 शेड्स तो मिल ही जाएंगे, जैसे कि ये वाइब्रेंट ब्लॉन्ड हाईलाइट्स आपको मिल जाएंगे, इससे पहले एक सॉफ्ट हाईलाइट है, एक सॉफ्ट रेड कलर का है, और दूसरा जो है आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स जैसे कि पर्पल, रेड, ब्लू, ऐसे भी हाईलाइट्स जो है किट, हाईलाइटिंग किट्स जो है आपको मिल जाएगा। तो आप अपने पसंद के हिसाब से जो है चूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे ही बहुत ही आसानी से आप जो है अपने हेयर को हाईलाइट कर सकते हो। सो दोस्तों ये है स्ट्रिक्स का अल्ट्रा लाइट हाईलाइटिंग किट। इसमें है दोस्तों वॉलनट ऑयल एंड अर्गन ऑयल। ये आपके हेयर को जो है बहुत ही शाइनी एंड स्मूथ बनाता है। ये एक लॉन्गर लास्टिंग हेयर कलर है। इसके अंदर आपको अल्ट्रा शाइन कंडीशनर्स मिल जाएंगे, जिसको आपको हेयर कलर अप्लाई करने के बाद यूज़ करना है, जिससे आपका हेयर और भी ज़्यादा शाइनी बन जाता है। आपको इसको कैसे यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप सारा इंस्ट्रक्शन जो है आपको बॉक्स के पीछे मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे यूज़फुल टिप्स दिए गए हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आपके स्कैल्प पे कोई भी इचीनेस है, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इस कलर को आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और इस कलर को यूज़ करने के टाइम आपको अपने हाथों के ऊपर ग्लव्स ज़रूर पहनना है। एंड जो भी दोस्तों आप मिक्सचर बनाओगे, कलर का जो मिक्सचर है उसको आपको बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना है, आपको जो है पूरा का पूरा यूज़ कर लेना है। एंड दोस्तों जो है सारा जो इंस्ट्रक्शंस है बॉक्स के अंदर लीफलेट में, उसको आपको जो है बहुत ही अच्छे से जो है रीड करना है, बहुत ही अच्छे से आपको सब कुछ देख लेना है। और दोस्तों सारा जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स है वो आपको बॉक्स के ऊपर मिल जाएगा। आप प्राइस देख सकते हो 160 रुपीज़, एंड इसका जो बॉक्स का जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर्स। तो आपको सारा डिटेल्स बॉक्स में जो है मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट करना, अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो। मैंने कोई भी पैच टेस्ट नहीं किया है एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन आप ज़रूर कर लेना अगर आपको कोई भी डाउट है तो। बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो ये सब प्रोडक्ट्स आपको मिलता है। एक बहुत ही अच्छा कंटेनर आपको मिलेगा, एक एप्लीकेटर मिलेगा कलर को अप्लाई करने के लिए, एंड आपको जो है ग्लव्स मिल जाएंगे बॉक्स के अंदर, एंड जो है कंडीशनर का पैकेट मिल जाएगा 2, जिसको आपको कलर अप्लाई करने के बाद यूज़ करना है। ये जो है लीफलेट आपको मिल जाता है, इसके अंदर सारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप ज़रूर इसको पढ़ लेना कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है। और उसके साथ साथ जो
जो है दोस्तों आपको डेवलपर मिल जाता है, ये है एक डेवलपर क्रीम एंड जो है ब्लॉन्ज पाउडर। ये दो प्रोडक्ट को जो है मिक्स करना है आपको बोल में एंड कलर को अच्छे से मिक्स करना है एंड अपने हेयर पे जो है अप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले जो है ब्लॉन्ज पाउडर को लूँगी बोल में पूरा का पूरा एंड उसके बाद दोस्तों जो डेवलपर क्रीम है उसको मैं इसके अंदर डालूँगी। आप देख सकते हो तो मैं पूरा का पूरा इसमें डाल दूँगी एंड उसके बाद दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ही जो है आपको तुरंत आपको इसको अपने हेयर के ऊपर लगाना है। आपको ज़्यादा देर तक जो है इसको रखना बिल्कुल भी नहीं है। पूरा का पूरा आप मिक्स करने के बाद तुरंत जो है अपने हेयर के ऊपर इसको अप्लाई कीजिए। आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है एक पुराना आप ड्रेस पहन लीजिए। मैंने अभी एक ओल्ड कुर्ती पहन लिया है एंड उसके बाद मैं अपने हेयर को जो है दो पार्ट में डिवाइड करूँगी एंड मैंने अपने पूरे फेस में जो है कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लिया है ताकि कोई भी कलर मेरे स्किन के ऊपर ना चढ़े। मैंने नेक पे भी जो है कोकोनट ऑयल एंड फेस पे भी कोकोनट ऑयल मैंने अप्लाई कर दिया है एंड आप देख सकते हो मैंने इस तरह से दो पार्ट में अपने हेयर को डिवाइड कर लिया है ताकि मैं अच्छे से जो है कलर को अप्लाई कर पाऊँ। एंड दोस्तों मैंने अपने हाथों पे जो है ग्लव्स भी पहन लिया है एंड अभी चलिए कलर को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपका मेरी तरह आपका हेयर लेंथ है या फिर इससे भी लंबे हेयर से आपके एंड आप अगर पूरे हेयर में हाईलाइट करना चाहते हो तो आपको 2 से 3 किट मिनिमम लगेंगे। इस तरह के 2 से 3 हाईलाइटिंग किट का बॉक्स आपको लगेगा। मैं सिर्फ नीचे की तरफ थोड़ा सा एंड ऊपर फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स लिया है। लेकिन आप इससे भी ज़्यादा या फिर पूरे हेयर में आप अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो आपको जो है 2 से 3 बॉक्स तो मिनिमम लगेंगे, 4 भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों आपको जो है इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में अपने हेयर को डिवाइड करना है एंड उसके ऊपर अच्छे से कलर को अप्लाई करना है। अगर आप डार्क हाईलाइट चाहते हो तो अच्छे से जो कलर है उसको आपको पूरी तरह से उससे आपको हेयर को कवर करना है, बहुत ही ज़्यादा करके आपको कलर को लगाना है। अगर आप बहुत ही सॉफ्ट हाईलाइट चाहते हो, लाइट कलर चाहते हो तो आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में अच्छे से उसको स्प्रेड कर सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह का कलर चाहते हो। तो नॉर्मली हम जो है थोड़ा सा डार्क हाईलाइट चाहते हैं तो इस तरह से पूरे हेयर को जो है आपको क्रीम से अच्छे से कवर करना है, कलर से पूरा का पूरा इस तरह से कवर करना है। एंड जो है आप जब एक पार्ट में कलर को अप्लाई करो तो थोड़ा सा गैप दे के दूसरे पार्ट में अप्लाई करो तो अच्छे से आपका जो हाईलाइट है वो अच्छे से दिखेगा एंड आपके हेयर्स जो है बहुत ही अच्छे दिखेगा। मैं अभी ऊपर के फ्रंट पार्ट में जो है इसको अप्लाई करूँगी। तो आपको जहाँ जहाँ हाईलाइट्स चाहिए आप वहाँ वहाँ कलर को अप्लाई कीजिए एंड अच्छे से जो है पूरे हेयर पर मतलब उस पार्ट में अच्छे से उसको स्प्रेड कर दीजिए और आप जिस स्टाइल में चाहते हो उसी हिसाब से आप जो है अपने हेयर को हाईलाइट कर सकते हो। कि कोई कोई होते हैं जिनको जो है नीचे की तरफ हाईलाइट करना अच्छा लगता है तो आप सिर्फ नीचे की तरफ कर सकते हो या फिर आप सामने की तरफ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो या फिर पूरे हेयर में भी जो है आप कर सकते हो। तो अभी मैं इस तरह से फ्रंट पार्ट में जो है कलर को अप्लाई कर रही हूँ और आप इसके बाद जो है अपने हेयर को आप जिस तरह से पार्ट करके आप बाहर निकलते हो, जिस तरह से आप पार्ट करके पार्टीशन करके आप बाहर निकलते हो उसी तरह से आप जो हेयर को पार्ट कर लो। आप देख सकते हो मैंने इस तरह से साइड पार्ट कर लिया है, साइड पार्टिंग कर लिया है मैंने अपने हेयर का एंड मैं अभी ऊपर की तरफ अच्छे से हाईलाइट करूँगी अपने हेयर को ताकि जब भी मैं अपने हेयर को ओपन रखूँ तो जो कलर है वो अच्छे से दिखे, जो स्टाइल है वो भी अच्छे से दिखे या फिर कोई भी हेयर स्टाइल में भी जो है कलर अच्छे से दिखे। इसलिए मैं जो है अभी साइड पार्टिंग करके कलर को जो है ऊपर की तरफ अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा कलर नहीं था इसलिए। तो अभी मैंने बन बना लिया है, कलर को अप्लाई कर लिया है। 30 मिनट्स तक मैं वेट करूँगी, उससे ज़्यादा वेट नहीं करना है। 30 मिनट्स के बाद मैं नॉर्मल वाटर से पूरे कलर को क्लीन कर लूँगी। आपको बिल्कुल भी शैम्पू नहीं करना है, शैम्पू 2 दिन के बाद करना है।
हेयर को वॉश करने के बाद आपको कंडीशनर यूज़ करना है एंड दो मिनट बाद कंडीशनर को भी धो लेना है। एंड दोस्तों अभी मैंने अपने हेयर को वॉश कर लिया है, ड्राई कर लिया है एंड हल्का सा मैंने स्ट्रेट किया है, बिल्कुल हल्का सा। एंड आप देख सकते हो कितना सुंदर हाईलाइट हुआ है, कितना सुंदर कलर आया है, बिल्कुल लग रहा है कि पार्लर से किया गया हाईलाइट है, इतना अच्छा कलर आया है। तो मैं सबको ये रिकमेंड करूँगी, आई थिंक मार्केट में ये बेस्ट हाईलाइटिंग किट है। आप सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर सिर्फ 160 रुपीस में आप इतना अच्छा हाईलाइट कर सकते हो। और मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने नंबर 2 यूज़ किया था, वाइब्रेंट ब्लॉन्ड नंबर 2। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो और मुझे इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हेयर भी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हो रहा है। तो इसका कंडीशनर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो डेफ़िनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, मतलब मैं इसको 10/10 दूंगी, ये बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, बहुत सारा शेयर करना और इसी तरह के बहुत सारे ब्यूटी फैशन रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मैं प्रोडक्ट का परचेस लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड जल्दी से आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।